आइए रुक करते हैं पीटीवी हिंदुस्तान पर इस वक्त की कुछ खास खबरों की। केजरीवाल को हटाने की बीजेपी की रणनीति, 24 साल पुरानी सत्ता को हिलाने वाली को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने दिल्ली बीजेपी का प्रभारी ओडिशा के सांसद वैजयंत पांडा को बनाया है। पांडा ने ओडिशा में 24 साल से जमी जमाई नवीन पटनायक की सरकार को उखाड़ फेंका था। अब पांडा मेयर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हटाने की जिम्मेदारी है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। अगले साल फरवरी मार्च में दिल्ली में चुनाव संभावित है। एयर इंडिया को मिल रही है उड़ान की धमकियां, दो दिन में हुई 5 घटनाएं। आज एयर इंडिया की फ्लाइट AI-127 को बम से धमकी मिलने की घटना ने अफरा तफरी मचा दी। ये विमान नई दिल्ली से शिकागो जा रहा था। धमकी के उसे कनाडा के इक्वालिट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। जी मिली जानकारी के मुताबिक ये धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से एयरलाइन को भेजी गई। आज दूसरी बार ये बम धमकी मिली है और बीते दो दिनों में कुल ऐसी 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ब्लिंकिट की नई सर्विस, 10 मिनट में कपड़े जूते रिटर्न या होंगे एक्सचेंज। ब्लिंकिट में 10 मिनट में कपड़े जूते डिलीवर करने की सुविधा शुरू की है। इसमें रिटर्न और एक्सचेंज भी शामिल है। ये सुविधा दिल्ली NCR में ट्रायल के बाद मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में उपलब्ध है। ब्लिंकिट के सह संस्थापक अलविंदर धिंदसा ने बताया कि सुविधा साइज से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में मदद करेगी और रिटर्न और एक्सचेंज मात्र 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। दिल्ली में इस बार भी पटाखों पर होगा बैन, दिवाली से पहले हुए आदेश जारी। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भाजपा ने इस प्रतिबंध पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट पेश नहीं की जो ये साबित करती है कि पटाखे प्रदूषण में योगदान देते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने प्रतिबंध के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं और दिल्ली वासियों से सहयोग का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र में ठाकरे के घर में बीजेपी की सेंध क्या टूटेगा, 34 साल का तिलिस्म। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ठाकरों के गढ़ में सेंध लगा दी है। वसई विरार के पूर्व मेयर नाना ठाकुर उर्फ राजीव पाटिल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नाना का 34 सालों से राजनीतिक रसूख है और उनका भाई जयेंद्र ठाकुर अंडरवर्ल्ड डॉन है। नाना का वसई विरार, नाला सुपारा और पालघर में दबदबा है। उनके राजनीतिक कदम को ठाकुर परिवार के 34 सालों के साम्राज्य में सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है। यूपी में थानों और चौकियों पर वर्षों से जमे पुलिसकर्मी हटाए जाएंगे, 200 की तैयार की गई लिस्ट। वाराणसी के वरुणा जोन में थानों और चौकियों पर लंबे समय से तैनात सिपाही और मुख्य आरक्षी हटाए जाएंगे। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वरुणा जोन पुलिस ने यह रणनीति बनाई है। 3 साल से जमे 200 पुलिसकर्मी सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। DCP वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने बताया कि एक ही थाने पर लंबे समय से तैनाती के बावजूद पुलिसकर्मियों से क्राइम कंट्रोल में मदद नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान के PM से मिले विदेशी मंत्री एस जयशंकर, शाहबाज ने खुद आगे आकर मिलाया हाथ। पाकिस्तान में हो रही SCO समिट के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां डिनर से पहले उनकी मुलाकात PM शहबाज शरीफ से हुई। शहबाज शरीफ आगे आकर विदेशी मंत्री जयशंकर से हैंडशेक किया। दोनों नेताओं ने कुछ बातचीत भी की। ये 9 साल बाद हो रहा है जब भारत का कोई विदेशी मंत्री पाकिस्तान की धरती में गया हो। चुनाव ऐलान से चंद मिनट पहले CM शिंदे की चालाकी, कर्मचारियों को दीवानी बोनस का ऐलान। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इससे चंद मिनट पहले ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने कर्मचारियों की दिवाली बोनस का ऐलान कर दिया। उन्होंने BMC कर्मचारियों को भी 29,000 बोनस देने की घोषणा की है, जो कि पिछले साल से 3,000 रुपए ज्यादा है। इसके अलावा सोशल वॉलंटियर्स को 12,000 और किंडरगार्टन टीचर को 5,000 रुपए मिलेंगे। भारत कनाडा के बीच बड़ा तनाव, दोनों के संबंध टूटने की कगार पर पहुंचे। भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संबंध टूटने की कगार पर हैं। भारत ने 19 अक्टूबर को कनाडा के 6 राजनीतिकों को वापस जाने के लिए कह दिया है। दोनों देशों के बीच तनाव खालिस्तान के मुद्दे पर बढ़ गया है। अमेरिकी थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में साउथ एशियन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन का मानना है कि भारत के कनाडा के साथ कूटनीतिक संबंध पाकिस्तान से भी बदतर हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए लागू किया नया नियम, अब ऐसा करने पर चली जाएगी नौकरी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नया नियम लागू किया है। अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल से ज्यादा छुट्टी पर रहता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने FAQ जारी कर कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इसमें बताया गया है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट की मंजूरी एडवांस में लेनी होगी, जो कि LTC के साथ लेना अनिवार्य होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए PTV हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।